नमस्कार दोस्तों, सुनजीप टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर बैठे अपने ईमेल आईडी को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज कैसे करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे घर बैठे अपने ईमेल आईडी को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज करना होता है। और दोस्तों, साथ ही आपको बताऊंगा कैसे घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप घर बैठे अपने ईमेल आईडी को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे अपने ईमेल आईडी को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज करना होगा, ये तो मैं वीडियो में आगे जाके आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक भी सेकंड मिस करके तो आप नहीं सीख पाएंगे कैसे घर बैठे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपने पीएनबी अकाउंट में रजिस्टर या फिर चेंज करना होता है। सो हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, यू आर वाचिंग संजीव टॉक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, इस तीन कार्डों का बीच में से कौन सा डेबिट कार्ड है एक कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, ये सब बिल्कुल फ्री है, ये सब करने से जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मेन टॉपिक की तरह चलते हैं। दोस्तों, घर बैठे अपने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में ईमेल आईडी रजिस्टर या फिर चेंज करने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना होगा। क्या क्या कंडीशन फॉलो करना होगा, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहला कंडीशन है आपके पास एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है आपका पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग एक्टिवेट यानी कि चालू होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो आप एक्टिवेट कर लीजिए। कैसे करना होता है, इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने पीएनबी अकाउंट में अपने ईमेल आईडी को कैसे रजिस्टर करना होता है अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। दोस्तों, यदि आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके बाद थ्री डॉट का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद डेस्कटॉप साइट का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, सर्च बार का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, टाइप करिए पीएनबी नेट बैंकिंग। दोस्तों, पीएनबी नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, https://www.netpnb.com लिंक का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, राइट साइड टॉप कॉर्नर में लॉगिन बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, रिटेल इंटरनेट बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, रिटेल इंटरनेट बटन का ऊपर टैप करने के बाद आप आपका यूज़र आईडी टाइप कर दीजिए। दोस्तों, यूज़र आईडी टाइप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप करने के बाद आप आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों, पासवर्ड अक्सर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मदद से टाइप करना। दोस्तों, लॉगिन हो जाने के बाद आप आपका इंटरनेट बैंकिंग का होम पेज में पहुंच जाओगे। दोस्तों, होम पेज में आने के बाद पर्सनल सेटिंग्स का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, पर्सनल सेटिंग्स का ऊपर टैप करने के बाद व्यू पर्सनल डिटेल्स का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, व्यू पर्सनल डिटेल्स का ऊपर टैप करने के बाद अब आपका पर्सनल डिटेल्स देख पाओगे। दोस्तों, ईमेल आईडी रजिस्टर या फिर चेंज करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद अपडेट ईमेल आईडी का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, अपडेट ईमेल आईडी का ऊपर टैप करने के बाद अब आपका कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। उसका दोस्तों, नीचे टेक्स्ट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए। दोस्तों, ईमेल आईडी टाइप करने के बाद कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, राइट साइड में सबमिट बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, सबमिट बटन का ऊपर टैप करने के बाद आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में एक मैसेज शो कर रहा है, योर ईमेल आईडी इज अपडेटेड सक्सेसफुली, और रेफरेंस नंबर शो कर रहा है। आप चाहे तो आपका रेफरेंस नंबर नोट कर सकते हैं भविष्य के लिए। दोस्तों, आप इसी तरह ईमेल आईडी रजिस्टर या फिर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करने के लिए आपको आपका बैंक का होम ब्रांच में जाना होगा, नहीं तो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ईमेल आईडी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर या फिर चेंज होता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं इसको रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।